यूं तो साल 2020 हर किसी के लिए चुनौतियों से भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए ये साल कुछ ज्यादा ही तकलीफों से भरा हुआ है। हाल फिलहाल की ही बात है जब उनकी पत्नी आलिया ने उनको तलाक का नोटिस दिया था। वहीं उनकी भतीजी साशा सिद्दीकी भी बीते कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। साशा के सुर्खियों में आने के पीछे की वजह है उनके साथ हुआ यौन शोषण। जी हाँ, उनकी भतीजी ने नवाज के भाई पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साशा की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है कि उनके चाचा ने बचपन में उनका यौन शोषण किया है। और अपने एक हालिया साक्षात्कार में साशा सिद्दीकी ने खुलकर बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साशा का ये कहना है कि हमारे घर में औरतों के साथ हमेशा ही मारपीट होती रही है। शादी के दूसरे दिन से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। घर में 3 तलाक हो चुके हैं। मेरी मम्मी और 2 चाचियां इसी वजह से घर छोड़कर जा चुकी थी। इसके आगे वो कहती हैं कि उनके चाचा मिनाज लगातार सालों तक उनके साथ इस तरह की हरकतें करते रहे, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। यहाँ तक कि उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी साशा की बात नहीं सुनी। उनका कहना था कि वो तुम्हारे चाचा हैं और ऐसा कुछ नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब उनकी उम्र महज 9 साल थी, तभी से उनके चाचा ने उनके साथ ये सब करना शुरू कर दिया, और जब वो 14 साल की हुई तो उन्हें समझ में आया कि उनके साथ गलत हो रहा है, और इस बारे में उन्होंने परिवार को भी बताया, लेकिन किसी ने भी उनका भरोसा नहीं किया। वो कहते थे कि मेरी माँ हिंदू थी, झूठी थी, और मैं भी वैसी ही हूँ। मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।